नगर निगम दुर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद ने हड़ताल पर पहुंच दिया अपना समर्थन। कहा, अगर बहनों की इतनी ही फिक्र है तो माननीय दृष्टिकोण से इन बहनों की भी मांगे पूरी करें जो तीजा पर्व के दिन हड़ताल पर बैठी है। दुर्ग नगर पालिका निगम के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा अपनी दो सूत्री मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर कलमबंद कामबंद हड़ताल पर बैठे प्रदेश के मुखिया तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। वहीं सोमवार को इन कर्मचारियों के समर्थन में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम कार्यालय के सामने लगे प्रदर्शन स्थल पहुंची और आंदोलन में बैठे निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की मांग पर सहमति जताते हुए अपना समर्थन देते हुए कहा कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई भत्ता दिया है तो उसी तरह प्रदेश के मुखिया को भी इन अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना चाहिए। साथ ही इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने निवास पर तीजा पर्व मनाने बहनों को आमंत्रित किया, वहीं आज तीजा पर्व के दिन भी आंदोलनरत बहनें अपनी मांग को लेकर सड़कों पर बैठी हुई है, जिस पर प्रदेश की मुखिया को मानवीय दृष्टिकोण से इन बहनों का भी ख्याल रख इनकी मांगे पूरा करना चाहिए। इस संबंध में मीडिया के समक्ष राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी और अपने इन कर्मचारियों की मांग का समर्थन करने भी पहुंची थी। अगर देश के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई भत्ता दे सकते हैं तो ऐसा क्या कारण है कि इस प्रदेश के मुखिया नहीं दे पाते। इस प्रदेश के मुखिया अपने घर पर तीजा का पर्व मनाते हैं, बाहर से दिल्ली की बहनों को बुलाते हैं, नाचना गाना करते हैं और ये महिलाएँ आज सड़कों पर बैठी रह जाती हैं, तीजा के पर्व पर अपने घर नहीं जा पाती हैं। मानवीय दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री जी को इस बात को देखना चाहिए और कम से कम जो हमेशा वो संस्कृति की बात करते हैं, इस छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का काम वो हमेशा कहते हैं कि हम करते हैं, तो ये बहनें अगर आज सड़कों पर बैठी हैं, कभी भात खाने के समय वो सड़कों पर हैं, तो आखिर मुख्यमंत्री का कितने कभी क्यों नहीं हो रहा है। राजनीति हर जगह हो लेकिन राजनीति कर्मचारियों के हितों पर ना हो और इन बहनों के साथ ना हो, मैं केवल इस बात को कहने के लिए आई हूँ। मैं ये भी कहने के आई कि हमारे इन कर्मचारियों की लड़ाई में हम पूर्ण तौर पर समर्थन में हैं और पुरजोर कोशिश करेंगे कि इनकी मांग पूरी हो। हमारे प्रदेश के मुखिया ने वहाँ के कर्मचारियों के लिए जो स्वागत दी है वो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिले, मैं ऐसी मांग जिनसे अपेक्षा होती है पत्राचार उनसे किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।